नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है राजस्थान हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो राजस्थान की जो प्राचीन प्रमुख सभ्यताएं हैं उसका पार्ट सेकंड लेकर आया हूँ। मैंने फर्स्ट पार्ट करवा दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर राजस्थान की प्रमुख प्राचीन सभ्यताओं का भाग फर्स्ट देख सकते हैं, जो मैंने आज सुबह ही डाला था। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी पहली सभ्यता है वो है बेराट सभ्यता। बेराट सभ्यता कहाँ है? तो जयपुर में है। तो इसके इम्पोर्टेंट तथ्य, ये बाणगंगा नदी के किनारे स्थित है और यहाँ से मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। इसका उत्खनन सर्वप्रथम 1936 में दयाराम साने द्वारा किया गया। उसके बाद 1837 ईस्वी में कैप्टन बार्ट द्वारा यहाँ भाबरू शिलालेख की खोज की गई, जिसके नीचे ब्राह्मी लिपि में बुद्ध धम्म संघ ये तीन शब्द लिखे हुए। आपसे पूछा जा सकता है कि जो भाबरू शिलालेख खोजा गया है उसमें क्या लिखा हुआ है, यानी कौन से तीन शब्द हैं, और ये वर्तमान में कोलकाता संग्रहालय में रखा गया है। यहाँ पर जयपुर के राजा राम सिंह के काल में भी खुदाई की गई थी, और जहाँ स्वर्ण मंजूषा कलश प्राप्त हुआ, जिसमें भगवान बुद्ध की अस्थियों के अवशेष प्राप्त हुए। और यहाँ जो बिजक की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर 1999 में एक प्राचीन बौद्ध मंदिर मिला है, जो भारत का सबसे प्राचीन मंदिर है। और यहाँ से अशोक महान के जो पंचमार्ग सिक्के हैं वो भी मिले हैं। उसके बाद ये इम्पोर्टेंट है कि बेराट सभ्यता से जो शैल चित्रकला और आर्यन लोगों की विद्वता के ऐतिहासिक प्रमाण भी मिले हैं। गणेश डूंगरी और भीम डूंगरी जो यहाँ की पहाड़ियाँ हैं, विराट नगर स्थान शंख लिपि से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, ये थी विराट सभ्यता जो कि जयपुर की प्रमुख थी। मैंने इसमें इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चन आते हैं वो बता दिए। उसके बाद हमारी अगली सभ्यता है नालियासर सभ्यता। ये कहाँ है? तो ये भी जयपुर में। यह सभ्यता सांभर झील के पास है और प्रतिहारकालीन जो मंदिर थे चौहान युग से पूर्व है उनकी जानकारी भी यहाँ हमें मिलती है। और जोधपुरा सभ्यता और चौथवाड़ी जो सभ्यता है ये भी जयपुर में है। तरखान वाला, अनूपगढ़, चक, चौरासी डेरा, ये सभ्यताएँ कहाँ हैं? ये है श्री गंगानगर में, यानी तरखान वाला, अनूपगढ़, चक, चौरासी डेरा, ये आपको ध्यान रखना है। अगर ये पूछेगी ये सभ्यताएँ कहाँ हैं तो ये श्री गंगानगर में। उसके बाद हमारी आती है ओला सभ्यता। ओला कैब नहीं है, सभ्यता है। ओला सभ्यता कहाँ है? तो जैसलमेर में। अगर आपसे पूछे तो यहाँ से क्या मिला है, तो यहाँ से पाषाणकालीन कुल्हाड़ी मिली है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है लोधरवा सभ्यता, ये भी जैसलमेर में है। यहाँ से क्या मिला है? तो ये सरस्वती नदी के किनारे विकसित सभ्यता है और यह हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थी। आपको इतना ही ध्यान रखना है, ये सभ्यता है वो हड़प्पा कालीन के जो समकालीन थी। उसके बाद पारिवार और सोनू क्षेत्र, ये कहाँ है? जैसलमेर में। तो इसमें आपको इम्पोर्टेंट ये बात ध्यान रखनी है, यहाँ पर चूहे के दांत के प्राचीन जीवाश्म मिले हैं। चूहे के दांत के प्राचीन जीवाश्म कहाँ मिले हैं राजस्थान में? तो वो मिले जैसलमेर के पारेवार और सोनू क्षेत्र सभ्यता में। उसके बाद है डीडवाना, कुराड़ा, जायल और खुंडी सभ्यता, ये कहाँ है? तो ये है नागौर में। डीडवाना झील भी है। डीडवाना सभ्यता अलग है, कुराड़ा सभ्यता, जायल सभ्यता, खुंडी सभ्यता, ये चार सभ्यताएँ ये कहाँ मिली है? नागौर में मिली है। उसके बाद राजस्थान राज्य के पुनर्गठन से पूर्व सर्वप्रथम 1934 में जो यहाँ पर ताम्र सामग्री प्राप्त हुई थी, अतः नागौर को क्या कहा जाता है? तांबे के औजारों की नगरी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। बागौर सभ्यता है, ये कहाँ है? भीलवाड़ा में। तो फ्रेंड्स, ये बागौर सभ्यता है और जो हमने पहले पढ़ी थी वो बेराट सभ्यता थी, वो कहाँ थी? जयपुर में थी। और ये है भीलवाड़ा में। ये सभ्यता आपसे पूछे किस नदी किनारे है, तो ये कोठारी नदी किनारे स्थित है। इसका उत्खनन 1967-68 में वीरेंद्र नाथ मिश्र ने किया था। और यहाँ से राजस्थान के सबसे प्राचीन जो है पशुपालन की अस्थियों के अवशेष मिले हैं। बागौर भारत का सबसे संपन्न जो है सभ्यता स्थल है। अब बागौर की जो आपको मेन बात ध्यान रखनी है, बागौर को आदिम संस्कृति संग्रहालय भी कहा जाता है। और जो जहाजपुर सभ्यता है वो कहाँ है? भीलवाड़ा में है। यहाँ से महाभारतकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं, जो जहाजपुर सभ्यता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि महाभारतकालीन सभ्यता के अवशेष किस सभ्यता से या किस स्थान में राजस्थान से मिले हैं, तो वो है जहाजपुर सभ्यता, जो कि भीलवाड़ा में है। उसके बाद ओजियाना सभ्यता, ये भी भीलवाड़ा में है। अब बात करते हैं चित्तौड़गढ़ की प्रमुख सभ्यता है, जो कि नगरी सभ्यता है। इसकी खोज हुई है, इसका प्राचीन नाम मध्यमिका भी है।
जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेख मिलता है इसका, और इसकी खुदाई 1904 में डॉक्टर भंडारकर द्वारा की गई। यहाँ शिवी जनपद के सिक्के मिले हैं। उसके बाद है गरदड़ा सभ्यता बूंदी में, तो छज्जा नदी के किनारे स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। देश की पहली बर्ड राइडिंग जो रॉक पेंटिंग है वो गरदड़ा सभ्यता बूंदी से ही प्राप्त हुई थी। ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हो चुका है, तो आपको विशेष इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है कि देश की पहली बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग किस सभ्यता या किस स्थान से राजस्थान में प्राप्त हुई है, तो वो है गरदड़ा सभ्यता छज्जा नदी के किनारे बूंदी में। ओके, उसके बाद है खानपुरा सभ्यता, ये कहाँ है, झालावाड़ में। यहाँ से 200 ईसा पूर्व की नदी घाटी के अवशेष मिले हैं। उसके बाद चंद्रावती सभ्यता, ये कहाँ है, ये 11वीं 12वीं सभ्यता सदी के जो मंदिर के अवशेष मिले हैं, और ये झालावाड़ में। आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो चंद्रावती सभ्यता है वो सिरोही में भी है, एक जो मैंने आपको कल पढ़ाई थी, आप जो वीडियो फर्स्ट पार्ट है वो देख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं रेड सभ्यता, ये कहाँ है, टोंक में। तो फ्रेंड्स यह टोंक निवाई तहसील में स्थित है। यहाँ पर मातृ देवी की मूर्ति, गजमुख यक्ष की मूर्ति, एशिया का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार मिला है, इसलिए इसे प्राचीन भारत का टाटा नगर भी कहते हैं। किसे कहते हैं, रेड टोंक को प्राचीन भारत का टाटा नगर कहते हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट है, बाकी आप याद रखो तो रख लेना, मेरा फ़र्ज था बताना, मैंने बता दिया। तो फ्रेंड्स अगर मेरा जो कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो इसे वीडियो को लाइक कर देना, नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, और जो और आपके फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं उन्हें शेयर भी कर देना। तो उसके बाद हमारी अगली सभ्यता है नगर सभ्यता, ये कहाँ है, टोंक में। इसका प्राचीन नाम था मालव प्रदेश, और इस सभ्यता का उत्खनन 1938 में और 40 में डॉक्टर के एन पुरी के निर्देशन में, यानी केदारनाथ पुरी के निर्देशन में हुआ था, और उन्हीं हारा कस्बे के पास करवाया गया। यहाँ मालव आहत सिक्के मिले हैं जो गुप्तकालीन लेख के। उसके बाद नौहत सभ्यता, ये कहाँ है, भरतपुर में है, और यह है महाभारत और लोहकालीन सभ्यता है, आपको ध्यान रखना है। रूपारेल नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर पक्षी चित्रित ईंट और जाक बाबा की विशालकाय मूर्ति मिली है, यानी जो ईंट पर है वो पक्षी चित्रित हुआ है और जाक बाबा की विशालकाय मूर्ति मिली। उसके बाद बयाना और सिरिपंत सभ्यता, ये भी भरतपुर में, आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर जो बयाना और सिरिपंत में गुप्तकालीन सिक्के और नील की खेती के साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद है दर सभ्यता और मल्लाह सभ्यता, भी भरतपुर में है। सुनारी सभ्यता, ये झुंझुनू में है। तो सुनारी सभ्यता में यहाँ पर लोह गलाने की प्राचीनतम भट्टियाँ मिली हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारी जो पार्ट 2 था ये पूरा हो गया, और हमने जो है फर्स्ट और सेकंड पार्ट में जो राजस्थान की प्राचीन सभ्यता के मुख्य मुख्य जो स्थल थे और मुख्य मुख्य उनसे रिलेटेड जो भी पॉइंट थे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे वो कंप्लीट कर लिए। अगर मेरे द्वारा जो आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है फ्रेंड्स। और बाकी आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक अपने एग्ज़ाम के लिए। आप जिस किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, राजस्थान में राजस्थान पुलिस हुआ और जो हाई कोर्ट की आई हुई है अभी वैकेंसी, और जो पटवारी की भी स्टार्ट हो गए फॉर्म, तो फ्रेंड्स आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, मेरी तरफ से तैयारी करते रहिए। और जहाँ कहीं से भी आपको मटेरियल मिले उसे छोड़िए मत, बस ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, जितना पढ़ोगे उतना ही बढ़ोगे। तो फ्रेंड्स थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।